का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज देश भर की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल की इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हां, मोदी सरकार के आज कर्फ्यू ऐलान के बारे में बड़ी खबर आपको देने वाले हैं। आपसे यही निवेदन करेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। जी हाँ, वीडियो के लास्ट में एक COVID से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो 10 लकी विनरों को 1000 रुपए का पेटीएम कैशबैक इनाम दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जी हाँ, आज की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस के कहर से पेट्रोल और डीजल को लेकर बड़ी राहत की खबर मिल चुकी है। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम दुनिया के अंदर सस्ते में जाने वाले हैं क्योंकि साधनों के रोक लग चुकी है। गवर्नमेंट अपने व्हीकल स्टॉप कर चुकी है जिसके वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम के अंदर भारी गिरावट हो सकती है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। इटली में अब तक 4000 लोगों की मौत हो चुकी है और पाकिस्तान में भी संक्रमित के लोग बढ़ पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि घरेलू बाजार में सोने चांदी के दामों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। आज सोने के भाव आपको बता दें कि तेजी के साथ बढ़ चुके हैं। सोने के भाव 1395 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर आज 41705 रुपए के ऊंचे स्तर तक पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर में बात की जाए तो यूपी सरकार ने कहा कि दिहाड़ी करने वाले मजदूरों को कोरोना वायरस जब तक रहेगा, जब तक आपातकालीन घोषित रहेगा, उन्हें मासिक 1000 रुपए सहायता प्रदान की जाएगी यूपी सरकार की तरफ से। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो भारत में रेडमी 8GB रैम के साथ लॉन्च होने जा रहा है। 128GB इसके अंदर मेमोरी दी गई है। 5G टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया गया है। इसकी कीमत फीचरों की बात की जाए तो ये फोन सबसे जबरदस्त फोन होगा, रेडमी R1। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो सचिन पायलट से आज जाफर इस्लाम मिले हैं। जी हाँ, जाफर इस्लाम वो शख्स है जिन्होंने जो भाजपा में सिंधिया की एंट्री करवाई थी, यानी सिंधिया में शामिल होने के पीछे इनका बड़ा हाथ है। अब जाफर इस्लाम जब सचिन पायलट से मिले हैं तो कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को भी बीजेपी में लेकर आने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो कोरोना को असर से सोमवार को दिल्ली मेट्रो सफर सुबह और शाम ही चलेगी। दिल्ली की मेट्रो ट्रेन दिन के अंदर बंद रहेंगी। अगर आप दिल्ली जाने वाले हैं तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो शाहीनबाग में जारी है प्रदर्शन। महिला ने कहा कि जैसे हम संविधान के लिए खड़े हैं वैसे ही कोरोना से भी लड़ने को खड़े हैं, बिल्कुल तैयार है। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो प्रदेश भर की शराब दुकान बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा ऐलान किया है कि सभी राजस्थान से लेकर सभी राज्यों के अंदर कल शराब की दुकानें बंद रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो कोरोना पर केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है कि जिनके पास बेघर नहीं है उनको मुफ्त में खाना राशन भी फ्री में देगी केजरीवाल सरकार। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो कोरोना महामारी को देखते हुए छत्तीसगढ़ में 31 तक लॉकडाउन, यानी छत्तीसगढ़ हरियाणा समेत काफी राज्यों के अंदर 31 मार्च तक लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो SBI ने इमरजेंसी लोन लॉन्च कर दिया है। तेल गैस संकट से निपटाने के लिए जो आई उसने बड़ी तैयारी कर ली है कि अगर किसी का बिजनेस संकट में चल रहा है तो SBI इमरजेंसी लोन देगी। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो हवाई P44 Pro स्मार्टफोन 6 कैमरों के साथ बहुत ही जल्द भारतीय बाजार के अंदर उतारा जा रहा है। आज तक का सबसे लेटेस्ट और सबसे महंगा फोन होगा हवाई P24। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो आपको बता दें कि कोरोना से कई दुनिया के अंदर कोरोना फैल चुका है। इटली में अब तक 4000 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में भी संक्रमित लोग बढ़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो WHO यानी दुनिया का स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा खुलासा किया है कि लगभग 185 देशों के अंदर कोरोना फैल चुका है। धीरे धीरे कोरोना पूरे विश्व के अंदर फैलने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो विदेशों में फंसे 1.5 लाख पाकिस्तानी, लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन लोगों को वापस बुलाने से यानी पाकिस्तान में एंट्री करवाने से मना कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो 60% आबादी जानबूझकर कोरोना संक्रमित कराना चाहते हैं ब्रिटेन। जी हां, ब्रिटेन से बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि ब्रिटेन के राष्ट्रपति 60% आबादी को जानबूझकर कोरोना से संक्रमित कराना चाहते हैं, जिनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने वाला है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये थी आज की देश की कुछ बड़ी खबरें। आज का हमारा क्वेश्चन है COVID यानी COVID-19 क्या है, इसका आपको सही जवाब देना है। सही जवाब आपको 1000 रुपए का पेटम इनाम दिला सकता है। अधिक जानकारी के लिए, ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल की इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।